नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बीती 7 मार्च को अपने साथी के साथ मिलकर अपने ही मामा को गोली मारने वाले भांजे और उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र में गुड्डू ने अपने ही साथी के साथ मिलकर अपने मामा सतपाल को गोली मार दी थी, जिसमें सतपाल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान सतपाल की मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस गहनता से मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। पुलिस ने भांजे गुड्डू और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, हेमपुर दीपा के फतेहपुर कला गांव में 7 तारीख को गुड्डू ने अपने मामा सतपाल को गोली मारी। 307 IPC का अभियोग पंजीकृत था, एक व्यक्ति अज्ञात था। बाद में उसका नाम पता चला कि गुड्डू का दोस्त धीरज है। दौराने इलाज उसके मामा सतपाल की मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं। मैं तमंचे के 15,000 रुपये का इन पर पुरस्कार घोषित था। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि जिस लड़की से सुरेंद्र उर्फ गुड्डू का प्रेम था, उसी से इनके मामा का भी बातचीत होने लगी थी। दोनों में इस बात को लेकर के अनमनस्कता, टोकाटाकी एवं 302 तक की वारदात हो गई। अभी तो गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।